हेलो आरपीएस के सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोविड की वजह से एक लंबे टाइम से हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन यदि सारे पॉइंट्स को हम एक साथ डिस्कशन करते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए एक-एक पॉइंट का वीडियो बना के मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। आज सबसे पहले हम बात करते हैं होमवर्क की। तो बच्चों से घर पे होमवर्क करवाना इज़ रियली अ टफ चैलेंज एंड आई सैल्यूट यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज वंडरफुली एंड एक्टिंग एज टीचर्स एट होम। बहुत बड़ा टास्क है ये, बच्चों को कन्विंस करना, बिठाना, उनसे होमवर्क करवाना, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ। लेकिन इसमें हमें दो तीन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब बच्चा होमवर्क करता है तो वो इसको प्रॉपरली मार्जिनल लाइन में मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, अप टू डाउन। प्लस चाहे वो हिंदी का वर्क करे या इंग्लिश का, वो लाइंस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे हिंदी में 2 लाइंस को, इंग्लिश में 4 लाइंस को, जब वो राइट करता है तो हमें देखना है कि वो लाइंस को प्रॉपरली मेंटेन करे, यूटिलाइज़ करे। इसके अलावा हमें बच्चों की राइटिंग स्किल के साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल भी डेवलप करना है। काफ़ी केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है वो होमवर्क करने के बाद बस अपनी नोटबुक छोड़ा और खेलने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं। हमें बच्चों को टाइम टू टाइम जो स्पेलिंग लर्न भी करवाना है, और यहाँ पे मैं बच्चों से भी जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्पेलिंग को लर्न भी करें, राइटिंग के साथ साथ वो जो है वो टास्क को लर्न भी करें। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 वर्ड्स रेगुलरली जो है लर्न कर सकते हो, और लर्न करने के बाद उसका वीडियो भी बना सकते हो और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। लेटर ऑन मैं उनको जो है ग्रुप में उनको शेयर करूंगा, तो इस बात को आपको देखना है। अब कुछ एक केसेस में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ एक पेरेंट्स इसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो उन पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो इस होमवर्क पार्ट को सीरियसली लें, बच्चों से करवाएं, क्योंकि कोविड की वजह से अब हमारे पास टाइम भी होता है, हम बच्चों के साथ बैठ के जो है उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप बच्चों से होमवर्क करवाएं, उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि यदि बच्चों ने इस पार्ट को नेगलेक्ट किया तो बहुत गैप हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस में गैप हो जाएगा, तो फिर इस गैप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इस पार्ट को सीरियसली देखना है। इसके अलावा अब मैं जो है इसके बाद बच्चों के टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा, प्लस एक और पार्ट मैं स्पोकन इंग्लिश को भी जो है वो कैरी ऑन करूँगा, और जिसका बेनिफिट बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स को भी होगा। तो आने वाले टाइम में मैं जो है वीडियोस बना के जो है वो इनके शेयर करूँगा, तो आप लोग इनको मिस नहीं करें। और अंत में मैं ये आपसे कहूँगा कि यदि किसी ने हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो शेयर करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अंत में मैं ये कहूँगा स्टे होम, बी सेफ। धन्यवाद।